दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं अपनी मूवीज़ को लेकर, क्योंकि आजकल वो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेबल मूवीज़ देते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक मूवी आई थी पैडमैन। आज हम बात करने वाले हैं पैडमैन मूवी के बारे में, जिसके अंदर आपने अक्षय कुमार का एक अलग ही अवतार देखा था। वहीं आपको बता दें कि इस मूवी में उनके साथ भूमि पेडनेकर नजर आई थी। वहीं अब पैडमैन जो है वो 31st टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर जापान में जो है अब रिलीज होने वाली है, और उसका नया पोस्टर भी डाल दिया गया है। जापान के अंदर इस मूवी को सभी को दिखाया जाने वाला है, और इस फिल्म फेस्टिवल के अंदर इस मूवी को सेलेक्ट किया गया है इसके कंटेंट की वजह से। जी हाँ दोस्तों, इसका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, इसी वजह से इस मूवी को पसंद करके और इस फिल्म फेस्टिवल में इसे लिया गया। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि जापान में मूवी क्या धमाल मचाती है। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो।